जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले के उरी में सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को मार गिराया है। इस बारे में सेना के अधिकारियों ने जानकारी दी कि आतंकी एलओसी के पास घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे थे, जिसको सुरक्षा बलों ने नाकाम कर दिया है। वहीं सुरक्षा बलों ने आतंकियों के पास से 5 AK राइफल, 8 पिस्तौल, 45 ग्रेनेड और 2 UBGL समेत कई और हथियार बरामद किए हैं। सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच हुई इस मुठभेड़ में सेना का एक जवान भी घायल हो गया है। सेना के अधिकारियों के मुताबिक 18 सितंबर के बाद गुरुवार को आतंकी घुसपैठ की ये दूसरी कोशिश थी। अधिकारियों की माने तो पिस्तौल को छिपाना आसान होता है और आतंकी इसका इस्तेमाल आम लोगों को डराने के लिए करते हैं। ये छोटे हथियार सेना से मुकाबले के लिए काम नहीं आते हैं। तो इसका मकसद इन हथियारों का ये है कि सिविल आम पब्लिक को टेररिज किया जा सके। ये छोटे बल के हथियार सेना से मुकाबले के लिए काम नहीं आते, ये जो नियति पब्लिक है उसको टेररिज करने के लिए, उसको मारने के लिए ज्यादा इस्तेमाल होता है। वहीं सेना के अधिकारी मनीष पुंज ने बताया कि उन्हें अक्सर ये खबर मिलती रहती है कि एलओसी के जरिए पाकिस्तान घुसपैठ करने की कोशिश में है, जिसको लेकर सेना अलर्ट हो गई है। सुबह तकरीबन 6 बजे पाकिस्तान से एलओसी की तरफ 5 आतंकवादी आते दिखे। आतंकियों ने जब एलओसी को क्रॉस किया तो सेना के जवानों और आतंकियों के बीच फायरिंग शुरू हो गई, जिसमें 3 आतंकी मारे गए और 2 आतंकी वापस पाकिस्तान की तरफ भाग गए। 3 बंदे हमें पाकिस्तान की तरफ से उतरते हुए दिखाई दिए, जो हथियार बंद थे, और उन्हीं के पीछे थोड़ी दूरी पर 2 टेररिस्ट और थे। इन्होंने जब लाइन ऑफ कंट्रोल क्रॉस की, उसके बाद जो मेरी पार्टी, हमारी पार्टी जो वहां डिप्लॉयड थी, उन्होंने इनको चैलेंज किया। चैलेंज मिलने पर इन्होंने हमारे पार्टीज के ऊपर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। आतंकियों के घुसपैठ को लेकर अधिकारियों का मानना है कि आतंकी किसी हमले की फिराक में नहीं आए थे, बल्कि उनके पास से जो भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद हुआ है, ये कश्मीर में उसकी सप्लाई करने आए थे। इन आतंकियों का मकसद कश्मीर में आतंकवाद को बढ़ावा देना था। सेना की सतर्कता से इन आतंकियों के मंसूबे को नाकाम कर दिया गया है, वरना साल 2016 में हुई उरी घटना फिर से दोहरा सकती थी। ऐसे ही ताजा तरीन खबरों से जुड़े रहने और उसके अपडेट जानने के लिए जुड़े रहे आप अपने राजपट टीवी चैनल से। साथ ही वीडियो को लाइक करें और राजपट टीवी को सब्सक्राइब करें और बगल वाली घंटी को भी बजाएं। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। साथ ही याद रहे, 2 गज की दूरी मास्क है जरूरी।